पंजाब में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। बीती रात पंजाब के कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान होने की आशंका है। किसानों का कहना है कि बारिश से किसानों की फसल को काफ़ी नुकसान हो चुका है। पहले भी बारिश ने किसानों की गेहूँ की फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया था, फिर से बारिश और ओलावृष्टि से बची हुई फसल भी खराब हो गई। सुरेंद्र जी, जो रात को गड़ेमारी हुई है, शाम को बारिश हुई है, उससे क्या फर्क हो, कितना नुकसान? देखो, जहाँ जहाँ गड़ेमारी हुई वो तो बहुत नुकसान हुआ, उसका सरकार को, सेंट्रल सरकार को मुआवजा देना चाहिए। क्योंकि ये अब वोटा के दिन है, ये इलेक्शन के दिन में भी किसी किसान की नहीं सुनी गई तो फिर कब सुनाई है? देखो, किसान धरना लगा के बैठे हैं, वहां पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब इलेक्शन के दिन है, जहां पर इतना नुकसान हो रहा है। अब देखो, पहली जो बारिश हुई उससे देखो दाना बिल्कुल भी, एक भी दाना नहीं है। देखो, आपके सामने मैं मसलता हूँ, कुछ नहीं निकलेगा छत्ते में। तो ऐसा जो नुकसान होता है जिम्मेदार को, किसी गल की कोई भरवाई नहीं होती। किसान का कर्जा जब सर होता है सिर्फ इसी वजह से होता है, जब फसल मर जाता है उसके बाद में कोई कर्जा मुड़ा नहीं जाता। और भी आगे सागे और कितने खेत हैं आपके, जितनी जिसकी फसल जो खराब हुई है, कौन सी फसल है? देखो, गेहूं की फसल है, इसमें बिल्कुल तैयार बैठी है। और जहां पर गड़ेमारी हुई है वहां पर कुछ भी नहीं बचा, सब दाना गिर गया। जो पहली बारिश हुई थी और अंधेरी आया, उसमें जो दाना आपको दिखाई रहे हैं ये बिल्कुल भी, एक भी दाना नहीं इसमें पड़ा, सब खाली है। कितनी फसल खराब हुई है? देखो, 10 एकड़ थे हमारे, तो 10 एकड़ थे, बाकी जो किसान है उसकी तो सबकी है ना, जितना भी गेहूं है उसका नुकसान काफी ज्यादा हुआ। कितना टोटल नुकसान हो गया? देखो, 25-30% तो आराम से हुआ, आराम से जी। तो सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि सेंट्रल सरकार को, देखो अब इलेक्शन है जी, इलेक्शन के दिन में भी नहीं किसान की सुनेंगे और किसान कहाँ जाएगा, क्या करेगा? इसीलिए तो धरना लगा के बैठे हैं कि देखो, किसान के जो सिर पे कर्जा हुआ वो इसी वजह से हुआ, जो इसका नुकसान हो जाता है उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता। करे कोई माड़ा मोटा, कोई सरकार की तरफ से हो गए, चाहे इंश्योर की तरफ से हो गए, कोई सुनवाई तो हो, कोई ये नुकसान की भरवाई तो हो, कुछ भी नहीं। लेकिन सबके ऐसे ही किसान फिर जूझता रहता है, तो फिर बोल देते हैं किसान ने जी अपना घर बना लिया, किसान ने बच्चे की शादी पर पैसा लगा दिया। क्यों? जब करेंगे खेती तो जो किसान अपना घर नहीं बनाएगा? जब आप लोग नेता बनते हैं तो आपका पहले घर कैसा होता है, 5 साल के बाद आपका घर कैसा बन जाता है? लेकिन जो मेहनत करता है उसका घर नहीं बनना चाहिए, उसका बच्चे में शादी नहीं होना चाहिए? वो जो खेती करेगा तो खेती में से ही अपने सारे कार्य करेगा ना, इसलिए जो नुकसान हो जाता है उसका कोई मुआवजा नहीं, और उल्टा नुकसान फिर सरदार को, किसान को बनाया जाता है। एक खेत पर कितनी लागत आ जाती है, कितने? देखो, 20,000 रुपया गेहूं पे लागत आ जाती है तैयार करने, तो 35-40 हजार का निकल जाता है अगर अच्छा निकले तो, नहीं तो नुकसान भी हो जाता है, किसी कुछ भी नहीं मिलता है। देखो जी, फसल तो पहले भी गिर चुकी थी, पूरी तरह से बिछी हुई है, आप देख रहे हैं। तो जो रात में गड़ेमारी हुई है ना, उससे भी जो पक्की फसल पे गड़ेमारी होती है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो दाना पक्का हुआ आता है वो जल्दी गिर जाता है। हरी कणके में इतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो पहले ही गिर गई है उसके ऊपर गड़ेमारी हो गई है तो उससे तो 25-30% तो नुकसान हो गया जी। आपके कितने खेत हैं? मेरे 25-30 एकड़ है कनक, जिसमें से देख लो हुण तुसीं आप ही, चौथा हिस्सा उसमें नुकसान हो गया है। तो उसी हिसाब से हमारे जो 6-7 किला तो समझ लो बीच में से निकल जाएगा। कितना नुकसान जो हुआ है? नुकसान 25-30% हो गया है। अगर 40,000 की निकलनी थी कनक तो चौथा हिस्सा उसमें 10,000 किले का तो नुकसान हो ही गया ना, एक एकड़ के हिसाब से। तो एक खेत पर कितनी लागत आ जाती है फसल की? लागत तो जी ऐसे है कि दवाई जो छिड़काव करना होता है, कोई तेले का होता है, कोई सुंडी का हो जाता है, या जो भी अपने खरपतवार का करना होता है, वो बहुत महंगी हो रही है दवाई, साल दर साल बहुत बढ़ रहा है। उस हिसाब से 10-15 हजार एकड़ का तो खर्चा ही हुआ होता है, तो बाकी जो किसी ने ठेके पे मामले पर फसल खेत लिए होते हैं वो तो उसी हिसाब से तो जो कनक है वो तो बराबरी हो जाएगा जी। खर्चा निकाल के जो बचना था वो गड़ेमारी से चला गया,
तो बचत का तो कोई मसला औखा ही लगता है जी। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से तो हम कह सकते हैं भी चलो जो जिम्मेदार है उसकी मदद करनी चाहिए, ते लेकिन सरकार तो कुछ सुनी नहीं रही है। सरकार तो किसानों को देखो आपने देखा ही है कि बॉर्डर पर ही रोक दिया है। मुआवजा तो बाद की बात है, वो तो जहां जाना है वहां भी नहीं जाने दिया उनको, ठीक है जी। तो उसका जो वहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, उसको वहां जाने देना चाहिए दिल्ली में, उसकी बात उनसे करके उनका जो हल है उसे निकालना चाहिए। देखो है तो कुदरत का एक क्रोपी कह सकते हैं, ऊपर वाला भी मुख मोड़ देता है जब सरकारें मोड़ती है तो, पर लेकिन ये है भाई नुकसान ऐसा है, पक्की फसल थी, पक्की फसल के ऊपर जब पत्थर ओले गिरे ना तो उनसे छिट्टे से जो दाने हैं वो बल्ली से दाने निकल करके नीचे गिर गए। ये बड़ी बड़ी समस्या है ना, तो इसको किसी को कहने वाले, लेकिन सरकार जो है मौके की वो भी इतनी बाह नहीं पकड़ रही, क्यों दो तीन बार पहले भी मुआवजा जब हड़ पीड़ित प्रॉब्लम आई कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में तो उसका जो हल था आज तक जहां का था वहां पर ही पड़ा, बात बात में बात निकल जाती है। तो कितनी फसल खराब हुई है इस बार जब औड़े जैसे एरिया में, हमारे एरिया में भी पड़े हैं तो कम से कम 20-35% के करीब करीब नुकसान हो गया, जो बल्ली से दाने निकल गए वो किसी काम नहीं आएंगे, जिम्मेदार किसको पकड़े, क्यों सरकारें भी बाहर नहीं फड़ रही जिम्मेदार की, लारे जाते हैं काम बिल्कुल जीरो, कोई भी सरकार आती है। हाँ जी, क्या नाम है जी? दिलबाग सिंह मेरा नाम है। दिलबाग जी, रात को जो गड़े मरी हुई है उससे कितनी फसल खराब हुई है, कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में? गड़े मार थोड़ी जी पहले भी खराब हुई सी, हुण जिदा रात इधर अपने कुछ एरिए च ठीक है, किते कोई ज्यादा भी पै गया, जिथे कोई ज्यादा पै गया कोई 20-25% जिहड़ी कणक आ कुछ हो गया, जिहड़ी ज्यादा पक्की सी उह झड़ गई है, जिहड़ा आम थोड़ा जिहा ठीक है कोई छिट्टे काले भी पड़ गए आ, इस करके थोड़ा नुकसान हुंदा। सरकार भी बोलती है भी असीं मुआवजा भी देंगे वह भी करांगे, पर उन्हें सानू 2-3 साल तो कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं, इदां दा कोई चीज़ नहीं सानू दे रहा, इस करके असीं चाहुंदे हां भी जे रब वल्लों भी कोई करूपी हो गई तो सरकार वल्लों भी सानू कोई चाहीदी मदद कर देण, जिहड़े जट जिमीदार आ बेचारे माड़ा मोटा अपना हीला परीला करके गांह की फसल बीज सकन, असीं इस गल दी उन्हां तों डिमांड करदे। कितनी फसल खराब हो चुकी है? फसल मेरे हिसाब नाल जे कणक लावो तां 25-30% कणक जिहड़ी वी ओह थोड़ा जिहा हो सकदी आ। कितना क नुकसान हुआ है? जिहड़ा जाने जिस थां ते कोई ज्यादा जिथे गड़े मार पै गई आ वह ज्यादा नुकसान आ, जिथे कोई थोड़ी जी घाटा घट जिदा हुण कुछ एरिया इदां दा कोई नहीं पई वह ठीक आ, ते उहदे विच जिदा हुण इहतों पहले जिहड़ी पई सी अपने मक्की उत्ते पई सी उदों वी चलो कणक उदों वी सी पर कणक नूं एडा नुकसान नहीं होया, पर जिहड़ी मक्की ते ना पै गई सी वो मक्की का बहुत नुकसान हो गया, वो मक्की हजे तक थोड़ी जी कमजोर ही हिल नहीं रही क्योंकि उन्होंने दो बारी एक तो पानी दे हो गया साढ़े को, एक उत्ते पै गया मीह उदनी, एक गले मारी हो गई वो जेडे कूंबड़ा सी ताजिया ताजिया वो टुट गई, टुट के दोबारा फुटिया पर गल ओनी नहीं बनी, पर देखो अगे रब की कृपा जे कि थोड़ा बहुत उस मुड़ा गया हम बाह नहीं सकते, इस करके झोना साडा लेट हो जाएगा। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब सहित उत्तर भारत के राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि का क्रम जारी है, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों का काफी नुकसान हो चुका है। पंजाब में किसानों की गेहूं की फसल पककर तैयार खेतों में खड़ी हुई है लेकिन बार बार हो रही बारिश से उसे नुकसान हो रहा है, मौसम किसानों के लिए आफत बना हुआ है, किसानों को अब सरकार से आस है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, तमाम अपडेट के लिए बने रही किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।